प्लांट लवर्स को रोज़ कुछ ना कुछ अपने गार्डन में नया देखने का दिल करता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कुछ प्लांट्स इतने सस्ते आते हैं कि उन्हें आप खरीद भी सकते हैं। बस दूसरों के घर में देख देख कर खुश होते रहते हैं और मन करता रहता है कि काश ये प्लांट हमारे घर में भी होता और मैं भी इसे लगा सकता। तो प्रॉब्लम वही होती है कि हमें उसके ना तो रेट पता होते हैं ना ही नाम पता होता है। आज कुछ ऐसे पौधों की लिस्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हैं जो कि नर्सरी में बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेट में मिल जाते हैं, और नर्सरी से सस्ते रेट में मिलने के साथ साथ ही आप 1000 के अंदर अंदर अपना पूरा का पूरा गार्डन भी जो है फूलों वाले पौधों से भी और जो नॉर्मल पौधे होते हैं उनसे भी भर सकते हैं। इनमें जो सबसे पहला जो प्लांट आता है वो गुड़हल का होता है, जो कि 50 रुपीज़ के बीच में आपको नर्सरी से मिल जाएगा। अगर आप नर्सरी विज़िट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से गुड़हल की हर एक वैरायटी ज़रूर लाइए, क्योंकि बहुत सारे कलर्स और डिज़ाइन में ये अवेलेबल होता है। और देसी वाली वैरायटी लाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, उसमें भी बहुत बड़े साइज़ के फ्लावरिंग होती है, छोटे से पॉट में भी बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं। सेकेंड जो प्लांट आता है वो विनका का होता है, जो कि 20 से 30 रुपए के बीच में बड़ी ही आसानी से नर्सरी से मिल जाता है। लेकिन अगर आप गली में लेते हैं विनका की, चाहे आप देसी वैरायटी लें या फिर हाइब्रिड वैरायटी लें, दोनों ही 20 से 30 रुपए के बीच में बड़ी ही आसानी से मिल जाती हैं। इसलिए आपको विनका को ज़रूर नर्सरी से लेकर आना चाहिए अगर आपके आसपास नहीं है तो। फिर चंपा का प्लांट आ जाता है, चंपा भी बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है। आजकल बहुत तरह के कलर्स की चंपा आने लग गई है, तो आप इसे भी 40 से 50 रुपए के बीच में नर्सरी से बहुत इजीली ले सकते हैं। क्योंकि हमें इनके रेट नहीं पता होते इसलिए हम घर में बैठे रहते हैं, कभी ना कभी हमें नर्सरी विजिट करने ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपको ज़रा सा भी अपने गार्डन में पौधों का शौक है तो आपको अपने शौक को मारना नहीं चाहिए, बल्कि आपको नर्सरी जाकर देखना चाहिए। क्योंकि गली में हम रेट पूछकर चुप बैठ जाते हैं और फिर हम कोशिश ही नहीं करते कि हम जाकर देखें तो सही असली में रेट होते कितने हैं। तो ये देखिए, रेड कलर की चंपा बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। अब तक सभी ने वाइट कलर की चंपा देखी होगी, लेकिन वाइट में येलो, रेड, पिंक, बहुत तरह की चंपा जो है अवेलेबल होती है। तो सब कलर्स लाएंगे तो बहुत अच्छा है। आपने रोड साइड पर भी चंपा के बहुत सारे पेड़ लगे देखे होंगे, लेकिन जब हम उसे गमले में लगाते हैं तो वो छोटे साइज़ के होते हैं और वो बहुत सुंदर लगते हैं, फ्लावरिंग उनमें भी अच्छे से होती है। आज जितने भी पौधे बताऊंगी सब 50 रुपए से नीचे नीचे ही आपको नर्सरी से बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट जो प्लांट आता है वो कनेर का होता है, और कनेर में भी येलो कलर, पिंक कलर, मजेंटा कलर, कई सारे कलर्स जो हैं अवेलेबल होते हैं। बहुत ही सुंदर कलर लगता है और बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर्स की शेप होती है। तो आप इसको भी 50 रुपए के अंडर अंडर ही ले सकते हैं, बहुत इजीली मिल जाएगा। लेकिन नर्सरी आपको ज़रूर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेट नर्सरी में 50 रुपीज़ होते हैं वहाँ पर गली में यही रेट 100 के वो लोग कर देते हैं। तो इसलिए आपको नर्सरी से ही लेकर आनी चाहिए, और सस्ती नर्सरियाँ भी बहुत सारी होती हैं अपने आसपास के एरिया में, आप ज़रूर से सर्च करें। नेक्स्ट इफोबिया मिली आता है, इसमें बहुत सारे कलर्स आने लग गए हैं आजकल, और इसकी हाइब्रिड वैरायटी मैं आपको दिखा रही हूँ। हाइब्रिड वैरायटी में तो बहुत ही सारे कलर्स आते हैं, बाकी जो इसकी देसी वाली वैरायटी होती है उसमें केवल जो पीच कलर है और येलो कलर है, दो ही कलर्स आते हैं। लेकिन इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी है जिसमें दिखा रही हूँ, ये मल्टी कलर का और हाइब्रिड वैरायटी का मिली का प्लांट है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये भी आपको 20 से 30 रुपए के बीच में ही मिल जाते हैं और कटिंग से बहुत इजीली लग जाते हैं। अगर आसपास आपके आप इन प्लांट को देखें तो आप ज़रूर से किसी से ले सकते हैं, और कोई प्लांट की कटिंग देने में हिचकिचाएगा भी नहीं। हो सकता है वो उनको पता ही ना हो कि कटिंग लग जाती है। तो आप देखिए, ये भी 3-4 वैरायटी मैंने आपको दिखाई, पिंक कलर में भी ये आती है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और ये इसकी जो है ये देसी वाली वैरायटी है, और येलो कलर में भी इसकी एक देसी वैरायटी आती है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो आपको इफोबिया मिली को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए, ये एक परमानेंट प्लांट। नेक्स्ट जो प्लांट है वो क्लेंचो का आता है, और क्लेंचो में भी बहुत सारी वैरायटी आती है। पहले क्लेंचो में भी सिर्फ एक ही वैरायटी आया करती थी जो कि देसी होती थी, लेकिन आजकल इसमें भी हाइब्रिड वैरायटी आ रही है। और जो ये आप फूलों के कलर्स देख रहे हैं ये हाइब्रिड वैरायटी के ही हैं, और बहुत ही ज़्यादा मल्टी कलर के जो फ्लावर्स आपके गार्डन में खिलते हैं तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। ये भी एक परमानेंट प्लांट है, और 30 से 40 रुपए के बीच बीच में ये आपको बहुत ही आसानी से नर्सरी से मिल जाएगा। तो आप इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड। नेक्स्ट जो प्लांट आता है वो पोर्चुला का, यानी कि मॉसरोज का प्लांट होता है, और किसी किसी नर्सरी में ये 10 से 20 रुपए के बीच में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। और अगर आपके पास या आपके फ्रेंड के पास ये प्लांट है तो आप इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसकी कटिंग किसी भी टाइम लग सकती है,
साल में आपको कभी भी ये प्लांट दिखाई दे, आप वहीं से उसकी कटिंग ले लीजिए और बहुत इजीली लगा सकते हैं। फ्लावरिंग इसमें बरसात में ज़्यादा अच्छी होती है, भर भर के फ्लावर्स आते हैं और बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है। और इसकी भी देसी और हाइब्रिड बहुत सारी वैरायटी आती है, और इसकी कुछ वैरायटी तो बहुत छोटे फ्लावर्स वाली होती है और कुछ में बहुत बड़े बड़े कलर जो है फ्लावर्स भी आते हैं। और मल्टी कलर का ये प्लांट होता है, तो इसे ज़रूर लाइए, क्योंकि ये तो 10 से 20 रुपए के बीच में बड़ी ही आसानी से आपको नर्सरी से मिल जाएगा। अगर 20 से 30 रुपए के बीच में भी वो देते हैं तो भी आप इसमें घाटे के सौदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग देने वाला। अगला पौधा जो है वो टिकोमा का होता है, और टिकोमा में दो कलर्स आते हैं, ऑरेंज और येलो, दोनों ही कलर्स बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। 40 से 50 रुपए के बीच में नर्सरी से आसानी से मिल जाता है। अगर आप गली में लेना चाहते हैं तो वो 100 से 150 के अराउंड आपको इस प्लांट को देंगे। इसमें जो है साल में कम से कम 2-3 बार फ्लावरिंग होती है, तो ये प्लांट आपके घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सस्ता होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। अगला प्लांट आता है चमेली का, और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत अच्छी प्यारी सी खुशबू आती है इसमें, और 50 रुपए में ये आपको गली में भी मिल जाएगा, तो आप इसको ज़रूर लगाएं। इसमें भी ढेर सारे फ्लावर्स आते हैं और इसमें सिर्फ आपको खाद ज़्यादा डालने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो प्लांट आता है किसी भी तरह का पोथोस हो सकता है, चाहे वो मनी प्लांट में की बहुत सारी जैसे वैरायटी होती हैं, तो वो प्लांट भी आपको 40 से 50 रुपए के बीच में आपको नर्सरी से मिल जाएगा। अगर आप गली में लेते हैं और गमले के समेत लेते हैं तो आपको 100 से 150 के अराउंड मिलेगा। अगर आप बड़ा वाला मनी प्लांट लेते हैं तो उसमें आपको 250 तक भी देने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो गुलाब का होता है, और गुलाब जो है 40 से 50 रुपए के बीच में बहुत आसानी से मिल जाता है। इसमें भी बहुत सारे कलर्स आजकल आने लग गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। येलो गुलाब, रेड गुलाब, पिंक गुलाब, लाइट बेबी पिंक, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं। अब ये देखिए, जैसे गाजरी कलर का गुलाब है, ये ना तो पिंक है ना बेबी पिंक है, इसका कैरेट वाला कलर है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर लगते हैं। और इनको भी आप कटिंग से बहुत आसानी से, मोगरे का प्लांट भी आपको 40 से 50 रुपए के बीच में ही मिलेगा। मुझे किसी नर्सरी में मैंने पूछा था तो मुझे उन्होंने 20 से 30 रुपए का मोगरे का प्लांट बताया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा सा था, लेकिन छोटा सा प्लांट भी बहुत इजीली घर पे लाके चल जाता है। कभी भी मोगरा जो है नर्सरी से लाने के बाद भी मरता नहीं है, तो आपको मोगरा ज़रूर ऐड करना चाहिए। किसी किसी नर्सरी में वो 20 से 30 रुपए के बीच में भी मिल जाता है। नर्सरी टू नर्सरी रेट्स भी डिफर करते हैं, इसलिए आपको कई सारी नर्सरियों में जाकर सर्च करना चाहिए कि कौन सा प्लांट कितने का कहां पर मिलता है। ये देखिए टर्टल वाइन है, और टर्टल वाइन तो 20 से 30 रुपए के बीच में आप किसी भी नर्सरी से बढ़िया आसानी से ले सकते हैं। ये पर्पल हर्ट है, पर्पल हर्ट भी आपको 10 से 20 रुपए के बीच में मिल जाता है। स्पाइडर प्लांट भी आप 20 से 30 रुपए के बीच में किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं, और एक बार ये प्लांट्स आपके गार्डन में आ गए तो गार्डन में बढ़ते ही जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है जेड प्लांट, जो कि 40 से 50 रुपए के बीच में मिल जाता है, और कोई कोई नर्सरी वाला उसे 90 से 100 रुपए के बीच में भी देता है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये 40 से 50 रुपए के बीच में बहुत सारी नर्सरीज में मिलता है। आपको जो है इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको रेट्स जो है थोड़े से चेक करने होंगे। ये प्लांट है एल्ट्रन थेरेरा डेंटाटा, और ये भी 40 से 50 रुपए के बीच में बड़ी ही आसानी से नर्सरी में मिल जाएगा, और मैंने इसके ऑनलाइन जो है रेट चेक किए थे तो वहां पे भी ये 50 रुपए में बहुत ही आसानी से मिल रहा था। स्वीट पोटैटो वाइन, ये भी 20 से 30 रुपए के बीच में मिल जाता है, क्योंकि इसको भी आप बड़ी ही आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। जैसे पर्पल हर्ट की कटिंग लग जाती है ना, बिल्कुल ऐसे ही आप इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और ये हैंगिंग प्लांटर का प्लांट है, तो अगर आपके घर में हैंगिंग प्लांट्स रखने की टांगने की जगह है तो आप ज़रूर से इसको अपने गार्डन में ऐड करें। ये आ जाता है फिर सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया गली में अगर आप लेते हैं तो 100 से 150 रुपए के बीच में मिलता है, लेकिन इसको भी आप कटिंग से बहुत इजीली लगा सकते हैं। अगर आप नर्सरी जाएंगे तो वहां पर आपको ये बड़ी ही आसानी से 50 रुपए में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसको 50 रुपए में नर्सरी से ही लिया था, और हालांकि मुझे बाद में मेरी फ्रेंड ने कटिंग भी दे दी थी तो मुझे बाद में पछतावा भी हुआ कि मैंने क्यों ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, 50 रुपए बहुत ज़्यादा नहीं होते अगर आप प्लांट्स के शौकीन हैं। और अब देखिए कितना बड़ा ये मेरा प्लांट हो गया है। स्पाइडर प्लांट का तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, पर्पल हर्ट भी बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, और स्नेक प्लांट को आप 100 से 150 रुपए के बीच में ही पाएंगे, लेकिन अगर आप नर्सरी से लेने जाते हैं तो मिनी स्नेक प्लांट हो या दूसरे वाले की कोई भी वैरायटी हो, वो आपको 50 रुपए में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। कोलियस जो है मैंने गली में भी बहुत बार 30 से 40 रुपए के बीच में लिया हुआ है, और अगर आप नर्सरी जाएंगे तो वहां पर तो आपको ये 20 से 30 रुपए के बीच में ही मिल जाएगा।
तो कहीं कहीं नर्सरी में ये 10 और 20 रुपए में भी मिलता है, तो आप इसको जरूर लाइए और ये बहुत ही अच्छा प्लांट। वॉन्डरिंग जो भी आपको बहुत ही इजीली नर्सरी से मिल जाता है 20 से 30 रुपए के बीच में। हालांकि ये कटिंग से लगने वाले प्लांट है, इसलिए आप सोचते हैं कि इसमें 20 से 30 रुपए भी क्यों खर्च किए, लेकिन अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो नर्सरी में इस टाइम पर जरूर से जाकर विजिट कीजिए। और वहां पर इस टाइम पर बरसात के महीने में बहुत कम लोग जाते हैं, इसलिए बहुत सारे जो देसी प्लांट्स हैं, जो कि परमानेंट प्लांट्स हैं, वो बहुत ही सस्ते और कम रेट्स में आपको मिल जाते हैं। तो आप जरूर जाकर देखिए, इस टाइम पर आपको मिल जाएंगे। तो पेंसिल कैक्टस जो है वो 30 से 40 रुपए के बीच में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा नर्सरी में। अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो 50 से 60 रुपए के बीच में मिलता है। ये वाला जो प्लांट है ये भी 30 से 40 रुपए के बीच में आपको नर्सरी से बहुत आसानी से मिल जाता है। हालांकि मैंने ये नर्सरी से नहीं लिया है, पर मुझे इसके रेट्स पता हैं। और ये जो है मैंने अपनी फ्रेंड से कटिंग ली थी, जो कि लगाते साथ ही 10 दिन के अंदर अंदर इसकी रूट्स भी डेवलप हो गई थी, और मैंने इसकी वीडियो अलग से डाली हुई। ये है हेमेलिया फायर बुश, इसे फायर क्रैकर्स भी कहते हैं, और अधिकतर आपने इसे पार्क में इसके बहुत सारे कलर्स लगे हुए देखे होंगे। ये भी स्टेम कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है, लेकिन नर्सरी में ये 20 से 30 रुपए के बीच में मिलता है। बिल्कुल तैयार फ्लावरिंग कुआवा प्लांट मिलेगा। इसकी लीव्स का कलर भी बहुत ज्यादा सुंदर होता है, इसलिए आपके गार्डन में ये वाला प्लांट तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है और कई महीने तक होती है दोस्तों, और बहुत ही सुंदर है। इसके जो जब क्रैकर्स जो टूट जाते हैं तो उनमें से बीज भी निकलते हैं, तो आप इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। स्नेक प्लांट का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि बहुत आसानी से आपको 20 से 30 रुपए के बीच में मिल जाएगा। तो स्नेक प्लांट आप नर्सरी से ही लाएं, अगर आप गली में लेते हैं तो वो 100 रुपए से कम नहीं। डायरेक्ट आप रियो के प्लांट को भी आप 30 से 40 रुपए के बीच में बड़ी ही आसानी से नर्सरी से ले सकते हैं। तो आप नर्सरी से रियो की सारी वैरायटी जरूर लेकर आइए, बहुत सारे कलर्स और उसमें आता है ये, तो आपको जरूर से इसको ऐड करना चाहिए। बोगेनविलिया भी आपको, चाहे आप कोई भी कलर लें, 40 से 50 रुपए के बीच में नर्सरी से बहुत आसानी से मिल सकता है, लेकिन गली में लिया हुआ प्लांट 100 रुपए से कम में कोई भी नहीं देता है, इसलिए आपको नर्सरी से ही इस तरह के। इसके बाद आ जाता है मुर्गा फूल, और मुर्गा फूल भी जो है बहुत आसानी से 20 से 30 रुपए के बीच में आपको नर्सरी में मिल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर आप लेते हैं गली में तो आपको 50 से 60 रुपए के बीच में मिल जाएगा। ये तो मेरा फ्री में ही लग गया है, क्योंकि कबूतर ने लाकर खुद ही यहाँ पर बीज डाल दिए थे, और मैंने इन्हें फिर अपने नॉर्मल सा गमला है, मुश्किल से 8 इंच के गमले में मैंने इनको शिफ्ट कर दिया है। फिर सिंगोनियम आता है, सिंगोनियम 40 से 50 रुपए के बीच में कोई भी कलर वैरायटी नर्सरी से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। पौधे तो और भी बहुत हैं सस्ते सस्ते, लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा था, इसलिए वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और किसी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग।